lecture we have seen empirical formula and molecular formula. I hope clear कर लिया होगा आपने अच्छे से उसके क्वेश्चन सारे सॉल्व किए होंगे. अब ये जो आपका टॉपिक आ रहा है जो बहुत डिफरेंट टॉपिक है ओके, इसके पहले आपने इससे रिलेटेड कुछ ज्यादा पढ़ा नहीं है ओके, छोटा मोटा आपने देखा होगा क्लास 9th में, बट ये अभी आपको आएगा बहुत डिटेल में. और मैं आपको ये बता दूं ये टॉपिक जो है अगर आपको यहाँ पर क्लियर होगा तो आपको यूज होगा ये आपके प्रैक्टिकल्स में एज वेल एज इन क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन, वहां भी आपको उसका काफी यूज आने वाला है. तो आप इस चैप्टर को इस वाले टॉपिक को यहीं पर बहुत अच्छे से क्लियर करिए. मैं आपको पहले सारी टर्म्स सारी क्लियर करती हूँ एंड देन विल सी न्यूमेरिकल वन बाय वन. ओके अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ी बच्चों वो सारी रिएक्शन जो थी नॉर्मली हमने सारी रिएक्शन देखी थी. अब हम लोग देख रहे हैं बच्चों रिएक्शन इन सॉल्यूशंस, मतलब अब हमको जो बात करना है वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस के ऊपर बात करना है ओके. तो आपको पता होना चाहिए जो सॉल्यूशंस होते हैं सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट एक होता है सॉल्वेंट. सॉल्यूट क्या होता है जो लेसर अमाउंट में हो वो हो गया सॉल्यूट, और जो लार्ज अमाउंट में हो वो हो गया हमारा सॉल्वेंट ओके. एग्जांपल 2 पॉइंट एग्जांपल ले लेते हैं 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर. यहाँ पर दिया है कि 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट हमने डिसॉल्व कराया है इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो क्वांटिटी किसकी ज्यादा है, 2.5 कम है इसलिए 2.5 ग्राम ऑफ सॉल्ट सॉल्ट बन गया आपका सॉल्यूट और वाटर बन गया आपका सॉल्वेंट ओके. अब मैं ना मुझे यहाँ पर आपको कुछ नोटेशन समझा रही हूँ जिसका यूज हम लोग बार बार करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग पूरे डिटेल में हमारे फॉर्मूले नहीं लिखेंगे, इसीलिए हम लोग हमेशा टर्म यूज करेंगे सॉल्यूट के लिए बी और सॉल्वेंट के लिए ए. आपको काफी सारी बुक्स में कुछ उल्टा भी मिलेगा बट हम लोग यही टर्म जो है वो फिक्स कर रहे हैं, सॉल्यूट के लिए टर्म बी यूज करना है और सॉल्वेंट के लिए टर्म ए यूज करना है ओके. अब अगर मैं बोलती हूँ डब्ल्यू ए तो डब्ल्यू ए का मतलब है मास इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट ओके. तो मतलब यहाँ पर क्या ये जो मैंने लिखा है 50 ग्राम ऑफ वाटर, तो 50 ग्राम यहाँ पर क्या हो गया हमारा डब्ल्यू ए ओके. देन डब्ल्यू बी हो गया हमारा बी सॉल्यूट के लिए है इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा मास इन ग्राम ऑफ सॉल्यूट ओके. सो यहाँ पे दोनों में से सॉल्यूट कौन है हमारा सॉल्ट, तो डब्ल्यू बी क्या हो गया हमारा ये 2.5 जो आपको मास दिया है वो ओके. देन एम ए एम ए हो जाना है आपका ए फॉर सॉल्वेंट, सो हियर मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट एम ए हो जाएगा हमारा मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट ओके. सो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है वाटर, वाटर का मोलार मास 18 ओके. एम बी इट इज मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है हमारे यहाँ पे सॉल्ट है, तो सॉल्ट सपोज करिए एनएसीएल हम लोग ले लेते हैं सॉल्ट के फॉर्म में, सो एनएसीएल का मोलार मास 58.5, तो यहाँ पे मोलार मास क्या हो जाएगा 58.5. ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ ओके, आगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको. एनए हो जाना है मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और एनबी हो जाएगा हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट. मोल्स क्या होता है हमारा, अगर जैसे मैं बात करूँ एनए की तो एनए क्या हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, ये गिवन मास बाय मोलार मास. ये एनबी कितना हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी गिवन मास बाय मोलार मास. तो ये हम लोगों ने क्या देखी बच्चों कुछ टर्म्स देखी जो हमको क्लियर होनी चाहिए बिफोर कमिंग टू दिस सेक्शन ओके. नाउ सॉल्यूशंस जो होते हैं बच्चों सॉल्यूशंस की कॉन्सेंट्रेशंस होती है, मतलब कि कितना उसमें सॉल्यूट है कितना सॉल्वेंट है कितने मोल से सॉल्यूट के कितने मोल से सॉल्वेंट के लाइक दैट ओके. तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन होती है सॉल्यूशंस की इसको एक्सप्रेस करने के लिए वी आर हैविंग अ डिफरेंट मेथड्स, तो हम लोगों को वन बाय वन वो सब चीजें देखनी है ओके. सो पहला आता है हमारा मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन ओके. मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या, मास ऑफ द कंपोनेंट पर ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ओके. तो यहाँ पर क्या रहता है सपोज करके हमको निकालना है मास परसेंट सॉल्यूट का, तो मैं कैसे निकालूंगी मास ऑफ सॉल्यूट मतलब कि मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मास, मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी मतलब सॉल्यूट प्लस
सॉल्वेंट, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100% करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्यूट का मास परसेंट। तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं, अगर आपको मास परसेंट ऑफ बी निकालना है तो डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100%, तो ये निकला हमारा मास परसेंट ऑफ बी। सिमिलरली मास परसेंट ऑफ ए निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100%, तो यहाँ से निकल जाएगा हमारा क्या, मास परसेंट ऑफ बी यहाँ से और मास परसेंट ऑफ ए यहाँ से निकल जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट आता है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट भी बच्चों ऐसा ही है, मास की जगह वॉल्यूम आ जाएगा वहां पे। ओके, तो वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट अगर निकालना है तो मैं क्या करूंगी, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इनटू 100%। सिमिलरली वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगी, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इनटू 100%। तो ये तो हम लोगों ने देखा हमारा मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट। आई थिंक ये आपको पहले भी था क्लास 9 में, यू वर हैविंग फ्यू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस। अब हम लोग जो देखेंगे वो सब चीजें आप लोगों के लिए कुछ न्यू है। ओके, तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा मोलारिटी। क्या आता है मोलारिटी, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं कैपिटल एम से। तो मोलारिटी बेसिकली क्या होता है, मोलारिटी होता है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं वही होता है मोलारिटी। इसका मतलब मैंने क्या किया, कैपिटल एम इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब एम वी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लेना है लीटर में, है ना। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम इज योर मोलारिटी। बट जनरली हम जो सॉल्यूशंस में काम करते हैं बच्चों, वो सॉल्यूशंस लीटर में हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि हमको इतने सॉल्यूशंस की जरूरत ही नहीं होती है लैब्स वगैरह में। सो वहां पर हम लोग लेंगे क्या, वॉल्यूम लेंगे हम लोग ml में। ओके, तो कैपिटल एम हो जाएगा क्या, एम बी की जगह मैं लिख दू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो मैंने एम बी की जगह लिख दिया डब्ल्यू बी बाय एम बी। क्योंकि मैं यहाँ पर वॉल्यूम ml में ले रही हूँ तो मुझे उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं 1000 से डिवाइड करूंगी तो 1000 ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा फॉर्मूला एम इक्वल्स टू डब्ल्यू बी बाय एम बी इनटू 1000 बाय वॉल्यूम। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलारिटी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आएंगे, कैटेगरीज आएंगी, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इन सारे कैटेगरीज पर हम लोग एक 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 दिन सारे न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि मोलारिटी में क्या क्या चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। ओके, बट इस मोलारिटी का एक डिसएडवांटेज है कि क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है, जो देखो नीचे की तरफ आ रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो रहता है टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाता है मतलब कि टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम आपका डिपेंड कर रहा है, तो अगर वॉल्यूम चेंज हुआ टेम्परेचर बढ़ाने पर तो मोलारिटी भी चेंज हो गई। तो मतलब आप जो बोल रहे हो कि ये सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन कितने मोलार है, तो मेरे ख्याल से वो मोलारिटी यहाँ कुछ और होगी और किसी दूसरे स्टेट में कुछ और हो जाएगी, है ना। क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और है, किसी दूसरे स्टेट में टेम्परेचर कुछ और होगा, कुछ किसी दूसरी प्लेस पर टेम्परेचर कुछ और होगा। तो क्या होगा बच्चों कि ये जो मोलारिटी जो मेथड है ये यूनिवर्सल नहीं हुआ, मतलब कि आप एक सॉल्यूशन को अगर बोल रहे हो कि ये 2 मोलारिटी का सॉल्यूशन है तो आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते हो कि इस सॉल्यूशन की मोलारिटी ऑल ओवर सारी प्लेसेस पर एक जैसी रहेगी। इट विल डेफिनेटली चेंज। क्यों चेंज होगी, बिकॉज ये वॉल्यूम पर डिपेंड करती है और वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के साथ में चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों हमारा मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ओके, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने आपके सॉल्यूट हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, डेफिनेट टर्म है मोलारिटी, जिसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल एम से। ओके, तो यहाँ पर क्या हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग बताएंगे एम बी से और मास ऑफ सॉल्वेंट को बताएंगे डब्ल्यू ए से, अगर ये kg में है तो।
बट अगेन मैंने आपको बोला सॉल्वेंट हम लोग केजीज में वर्क करते ही नहीं है, जनरली वी आर वर्किंग इन ग्राम्स, जनरली वी आर वर्किंग इन एमएल। ओके सो हियर आपका फॉर्मूला बना, एमबी की जगह मैंने लिख दिया डब्ल्यूबी बाय एमबी इनटू डब्ल्यूए इनटू, क्योंकि ये आपका ग्राम है, वी हैव टू चेंज इन केजी क्योंकि 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर बात करें मोलारिटी और मोलालिटी को कंपेरिजन करें तो ज्यादा अच्छी मेथड कौन सी है इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस दी कॉन्सेंट्रेशन। ओके सो एज कंपेयर टू मोलारिटी चिल्ड्रन, मोलारिटी इज वेरी गुड। व्हाई? बिकॉज मोलारिटी डिपेंड्स करती है वॉल्यूम पर, लेकिन मोलारिटी डिपेंड करती है मास पर। कभी भी ध्यान रखिए बच्चों, टेम्परेचर के साथ में ऑलवेज वॉल्यूम चेंजेस, नेवर मास चेंजेस। मास कभी भी चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ में। ओके तो ये हम लोगों ने देखा क्या, मोलारिटी एंड मोलालिटी। नेक्स्ट हमको जो देखना है बच्चों वो होता है मोल फ्रैक्शन। ओके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोल फ्रैक्शन, दैट इज द फिफ्थ वन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन नाम से आपको पता चल रहा है, ये मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिफाइन करते हैं एक्स से। ओके तो यहां पर क्या हो जाएगा, द फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू द टू बोथ द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब इसको हम लोग बता सकते हैं किससे, जैसे सपोज करिए मुझे निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ एमएफ, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को बताऊंगी मैं एक्स बी से। ओके तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा एमबी अपॉन एनए प्लस एनबी। क्या हो जाएगा ये, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स। ओके सिमिलरली एक्स बी को मैं लिख सकती हूँ एनबी को मैं लिखूंगी डब्ल्यू बी बाय एनबी, एनए को लिखूंगी डब्ल्यू ए अपॉन एनए और एनबी को लिखूंगी डब्ल्यू बी बाय एनबी। सिमिलरली एक्स ए अगर मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए हो जाएगा हमारा डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, एन ए हो जाएगा क्या डब्ल्यू ए अपॉन एम ए और एन बी हो जाएगा डब्ल्यू बी बाय एन बी। और इसमें बहुत अच्छी बात होती है बच्चों की एक्स ए प्लस एक्स बी होता है हमारा वन, मतलब अगर आप एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हो तो दूसरे का आप निकाल सकते हो कैसे, है ना। अगर आपको एक्स ए पता है तो आप लोग निकाल सकते हो वन माइनस एक्स बी से आप एक्स ए निकाल सकते हो और वन माइनस एक्स ए से आप एक्स बी निकाल सकते हो, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन में दोनों कंपोनेंट का जो सम टोटल फ्रैक्शन होगा दैट विल बी वन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो आपका वन हो जाता है। सो अवर नेक्स्ट मेथड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज नॉर्मलिटी। ओके सो दिस इज द लास्ट वे बाय विच वी कैन एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मलिटी डिफाइन करते हैं हम लोग इसको कैपिटल एन से, कैपिटल एन से डिनोट करेंगे हम लोग। और ये होता क्या है एग्जैक्टली, ये होता है द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल ऑफ सॉल्यूट। अभी इक्विवेलेंट मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है, ये तो बहुत न्यू चीज आ गई आपके लिए डेफिनेटली। तो बच्चों जब मैं आपको नॉर्मलिटी पढ़ाऊंगी उस टाइम पर मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी कि हमने इसके इक्विवेलेंट मोल्स कैसे निकाले हैं। ओके तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एन हो जाएगा कि कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स आपके डिसॉल्व है वन लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, वही चीज हमारी क्या है नॉर्मलिटी हो जाएगी। ओके नाउ हियर नॉर्मलिटी को डिफाइन कैसे करेंगे, नॉर्मलिटी एन इक्वल्स टू इक्विवेलेंट मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब ये इक्विवेलेंट मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, इसके लिए हम लोग लेते हैं गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। अपन नॉर्मल मोल्स के लिए क्या लेते हैं, गिवन मास बाय मोलार मास, और यहाँ लेना है आपको क्या, गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या हो गया आपका ई हो गया आपका इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। ओके अभी नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट मास हम लोग कैसे निकालते हैं, तो
So when we will see the numericals of normality, at that time I'll explain you कि कैसे हम लोगों ने equivalent mass निकाला है, कैसे हम लोगों ने equivalent moles निकाला है, कैसे हम लोगों ने normality निकाली है. Okay? अब हम लोग जो है हमारे next video में क्या देखने वाले हैं, ये सारे experiment, सारे methods के ऊपर numericals हम लोग देखेंगे, इनके different different categories देखेंगे, क्योंकि ये यदि मैंने आपको एक सिंगल फॉर्मूला आपको सिर्फ बता दिया है, फिलहाल सिर्फ डेफिनेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन करा है, बाकी इसमें बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं एंड दैट वी हैव टू सी. ओके, तो दैट वी आर गोइंग टू सी इन अवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.